हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा लिपि व्याकरण। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा शब्द शक्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा लिपि व्याकरण। तीन टॉपिक हैं ये। पहले हम देखते हैं भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट वाणी या व्यक्त वाणी या प्रकट करना। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट वाणी या व्यक्त वाणी। भाषा की अगर हम परिभाषा देखें तो भाषा क्या है, इस शब्द धातु के अनुसार हुआ कि मनुष्य के द्वारा या किसी प्राणी के द्वारा व्यक्त या जो प्रकट वाणी है उसको हम भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहकर अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करना होता है। अपने भावों विचारों को व्यक्त करता है, दूसरों के द्वारा प्रकट भाव या विचारों को समझता है। इस विचार विनिमय में या विचारों के आदान प्रदान के लिए उसे जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके लिए उसे अपने भावों उसे अपने भावों विचारों को व्यक्त या प्रकट करने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग करता है उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि अपने विचारों भावों या सूचनाओं को जिस माध्यम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, वह माध्यम भाषा कहलाता है। सरल शब्दों में से हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी मनुष्य अपने भावों विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। मनुष्य की यानी मनुष्य अपने भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए माध्यम का प्रयोग करता है, वाणी का प्रयोग करता है। और जो सार्थक वाणी है, मनुष्य की सार्थक व्यक्त जो वाणी है, सार्थक व्यक्त वाणी ही भाषा है। मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी ही भाषा है। अब यहां पर हम ये तो कह सकते हैं कि मनुष्य की बात क्यों, कि कोई भी प्राणी अपने भावों को
विचारों को व्यक्त कर सकता है अपने अपने ढंग से, लेकिन हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि मनुष्य क्यों कहा गया है, पर ये क्यों लिया गया है। तो मनुष्य की सार्थक व्यक्त जो वाणी है उसे हम भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना है कि जिस माध्यम से हम अपने भावों विचारों का विनिमय करते हैं, उस विनिमय के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे भाषा कहा जाता है। यानी जिस माध्यम से हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं क्या कहा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रकट वाणी या व्यक्त वाणी। यानी मनुष्य के द्वारा अपने भावों विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, विनिमय करने के लिए, उन्हें प्रकट करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उस माध्यम को भाषा कहा जाता है। इसी सरल शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहकर अपने भावों विचारों को व्यक्त करना होता है, दूसरे के भावों विचारों को समझना होता है। इस विचार विनिमय में, भाव विनिमय में जिस माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ रही है वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। सरल शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा सार्थक व्यक्त वाणी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो उस वाणी को ही हम भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह माध्यम भाषा कहलाता है। बाबूराम सक्सेना का कहना है कि जिन ध्वनि संकेतों या ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को भाषा कहा जाता है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि संकेतों या चिन्हों के द्वारा जिन ध्वनि ध्वनि चिन्ह या प्रतीकों के द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना का कहना है कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा या जिन ध्वनि प्रतीकों के द्वारा मनुष्य अपने विचार विनिमय करता है या मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, परस्पर विचार विनिमय करता है, उसके समष्टि रूप को ही भाषा कहते हैं। इससे सार निकल कर आता है कि भाषा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा प्राणी मनुष्य अपने भावों विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। भावों विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान का जो ये माध्यम है इस माध्यम को भाषा कहा जाता है। यानी भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर सकता है और दूसरों के भावों को समझ सकता है। ये विचार विनिमय का जो माध्यम है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप भाषा के रूपों में तीन भेदों की चर्चा होती है। नंबर एक मौखिक, लिखित संकेत रूप या सांकेतिक रूप, भाषा के रूपों में देखे तो भाषा का मौखिक रूप, लिखित रूप, सांकेतिक रूप। मौखिक जब बोलकर विचार विनिमय किया जाए वह भाषा का मौखिक रूप होगा, जब लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया जाए तब लिखित रूप, और जब संकेत के रूप में इशारों के रूप में अपना विचार विनिमय किया जाए, अपनी बात कही जाए, दूसरों की बात समझी जाए, वो भाषा का सांकेतिक रूप होता है। लेकिन मूल रूप से अगर हम भाषा के रूपों में चर्चा करें तो केवल दो ही रूप मान्य हैं। यदि दो व्यक्ति आपस में मौखिक वार्तालाप कर रहे हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होगा, यह अपेक्षाकृत सरल होता है। मौखिक जो बात कही गई है यह सरल है। लिखित, लिखकर अपने भावों को व्यक्त करें, जैसे कोई कवि लेखक कोई बात लिख रहा है उसे हम पढ़ रहे हैं, यह इसकी अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है, कठिन होता है। बात करें संकेत, किसी के द्वारा प्रकट किए गए या संकेत रूप में कुछ विचार व्यक्त किए गए उनको ज्यों का त्यों समझना कठिन ही नहीं, बहुत कठिन, जटिल, मुश्किल होता है। इसलिए भाषा के रूपों में इसकी चर्चा नगण्य के बराबर है। अर्थात अगर हम भाषा के रूपों में देखें तो प्रमुख रूप से दो रूप सामने आते हैं, नंबर एक मौखिक, नंबर दो लिखित। मौखिक रूप क्या होता है, अर्थात जब परस्पर मौखिक रूप से विचार विनिमय किया जाए वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और लिखित रूप से यदि विचारों का आदान प्रदान किया जाए तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मौखिक की बजाय लिखित रूप होता है वह कहीं अधिक स्थायी और व्यवस्थित होता है। अभी तक हमने यहाँ दो चीज़ें देखी, भाषा क्या है, भाषा मनुष्य के द्वारा, यानी अगर हम सीधे बात करें किस शब्द से बना है तो इस संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या प्रकट वाणी। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई प्रकट की गई वाणी ही भाषा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे अपने भावों विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में यूँ कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने भावों विचारों
या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वह माध्यम भाषा है। या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना है कि जिस माध्यम से हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम या जिस माध्यम के द्वारा ये काम संपन्न हो रहा है वह माध्यम भाषा कहलाता है। जिस माध्यम से हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना का कहना है कि जिन ध्वनि संकेतों या चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। भाषा के रूपों में अगर हम चर्चा करें तो लिखित मौखिक और सांकेतिक रूप आता है, लेकिन मूल रूप से भाषा के दो ही रूप सर्वमान्य है, लिखित और मौखिक। जब मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान किया जाए वहाँ भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और जब लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित रूप कहीं अधिक स्थायी व्यवस्थित होता है। उसके बाद में हम देखते हैं भाषा के अन्य रूप। भाषा के अन्य रूप या अन्य भेद, भाषा के अन्य रूपों या भेदों में हम देखते हैं बोली, उपभाषा, भाषा भी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आती है राजभाषा, उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा, उसके बाद आती है राज्य भाषा, या इसे हम प्रादेशिक भाषा भी कह सकते हैं। इसके अलावा मानक या परिनिष्ठ भाषा, उसके बाद में आती है अमानक या स्लेव भाषा। भाषा के अन्य रूपों में विभिन्न रूपों की चर्चा की जाती है, जैसे बोली है, उपभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, मानक या परिनिष्ठ भाषा है, अमानक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ऐसे बहुत से भेदों की चर्चा की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोली क्या है। अभी हम पढ़ रहे थे भाषा। भाषा और कुछ नहीं केवल बोलियों का समूह है। भाषा और कुछ नहीं केवल बोलियों का समूह है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भाषा है वो किससे मिलकर बनी होती है, यानी बोलियों का जो समूह है उसे ही या उसके आदर्श रूप को ही भाषा कहा जाता है। बोलियों के आदर्श रूप को, आदर्श समूह को ही भाषा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी बोलियां मिलकर भाषा का निर्माण करती है। भाषा बोलियों से बनती है, यानी बोलियों का आदर्श मानक रूप ही भाषा कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोली क्या है। बोली एक क्षेत्र विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम,
एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बोली कहलाता है, या विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को बोली कहते हैं। जैसे मेवाड़ क्षेत्र की बात करें, वहां पर बोली जाती है मेवाड़ी। ब्रज क्षेत्र में बात करें तो वहां पर बोली जाती है ब्रज बोली। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो वहां पर मारवाड़ी है। मालवा की बात करें तो वहां पर मालवी है। एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसे हम बोली कहते हैं। अब बात ये उठती है कि बोली और भाषा में अंतर क्या हुआ। भाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि जो बोली है उसका क्षेत्र सीमित होता है। तो एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसे हम बोली कहते हैं। इसका जो दूसरा रूप आता है वो है राजभाषा। राजभाषा क्या है, यानी बोलियों के समूह से भाषा का निर्माण हुआ है, और उसी भाषा के रूप में पहली जो इसकी इकाई है वह बोली। एक क्षेत्र विशेष में विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वह बोली कहलाता है। अब ऐसे बहुत सारी बोलियां मिलकर एक आदर्श भाषा का निर्माण करती है, जैसे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में 18 बोलियों का समूह है, और उन 18 बोलियों के समूह को हम हिंदी भाषा का दर्जा देते हैं। तो आगे जो भाषा के अन्य रूप हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।